नमस्कार। आज एक विशेष आयोजन 29 जून 1967 के दिन आलोक की स्थापना का दिन और आज इस आलोक को पूरे 55 वर्ष हो गए हैं। आज इस स्थापना दिवस पर फेसबुक पर देखने वाले सभी मित्रों को, हितेशियों को, शुभचिंतकों को मैं प्रिंसिपल आलोक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिरणमणि सेक्टर 11 आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आए आज एक स्थापना दिवस को बिल्कुल एक नए तरीके से मनाएं और देखें जो पिछले 1.5 सालों से जो स्कूल चल नहीं रहे हैं ऑफलाइन वो किस तरीके से है किस और इस यात्रा को जो पिछले 55 वर्षों की यात्रा है वो भी हम सुनेंगे। तो आज हम सीधे श्री राम के चरणों से इसको शुरू करते हैं। संस्था के अंदर राम मंदिर श्री श्रद्धे आचार्य श्री श्यामलाल जी कुमावत क्या आशीर्वाद से इस राम मंदिर की स्थापना पूरा राम दरबार श्रद्धे आचार्य जी ने 1967 में एक सपना देखा कि ये कैसे विद्यालय की स्थापना की जाए जहाँ पर भारतीय संस्कृति भारतीय मूल्यों को और भारतीय दर्शन को बढ़ावा मिल सके। श्रद्धे आचार्य जी उस टाइम विद्या निकेतन में कार्यरत थे लेकिन उनका मन कुछ अलग करने का था। विद्या निकेतन की छोटी सी नौकरी करने से पहले वह जयपुर में एजी ऑफिस में कार्यरत थे लेकिन सरकार के उस ब्यूरोक्रेटिक मॉडल के अंदर बंद कर शायद उनको काम करना पसंद नहीं था तो वो कम तनख्वाह पर यहाँ उदयपुर में विद्या निकेतन में प्रधानाचार्य के पद पर काम करते रहे। लेकिन अपना कुछ अलग करने की चाह ने इच्छा ने एक नए विद्यालय की सोच को उत्पन्न किया। परिवार के साथ मिलकर परामर्श किया और माता पिता के आशीर्वाद से आलोक पंचवटी में आलोक की स्थापना करी। उससे पहले उनके पिताजी श्री हेमराज जी ने अपने हाथों से एक हनुमान मंदिर के लिए एक हनुमान जी की मूर्ति अपने ही हाथों से रची। वो मंदिर आज भी वहाँ पर उपस्थित है। 29 जून के दिन प्रोफेसर वाइस चांसलर महाजनी जी ने सुश्री दुर्गा कुमावत का सबसे पहले स्कॉलर रजिस्टर में नाम लिख इस विद्यालय की शुरुआत करी। यह आलोक स्कूल हिरणमंगरी स्थित हनुमान जी की प्रतिमा जिसको श्रद्धे आचार्य जी ने अपने कर कमलों से इसकी प्राण प्रतिष्ठा करवाई। आलोक एक अद्भुत सोच के साथ जहां पर अध्यात्म के साथ साथ तकनीक
का मिलन, अंधकार का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, प्रकाश की उपस्थिति ही अंधकार का नाश है। प्रकाश के बिना सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं है, सृष्टि प्रकाश की ही उपज। एक ही खोज कहाँ है, कोई है जो इस दिए की रोशनी में अंधेरे को ढूंढने में सहयोग कर सके? लो, मैं हूं, मैं हूं आलोक। और इस आलोक के प्रणेता, इस आलोक के जनक, श्रद्धेय आचार्य श्री श्यामलाल कुमावत, जिनका मार्गदर्शन, जिनके सोच, जिसे बाद में सोच के शिव वाच को दर्शक तथा शिक्षको बोध के शिव शरते आचार्य श्यामला स्मृता नमो नमः। सूचकेश्चैव वाचको दर्शकस्तथा शिक्षको बोधकेश्चैव षड्ते आचार्य श्यामलाल स्मृता नमो नमः। आचार्य श्यामलाल स्मृता नमो नमः। श्रीराम, जय राम, जय जय राम। आलोक के एक और आदर्श स्वामी विवेकानंद, जिसका लोकार्पण तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री भैरव सिंह जी शेखावत ने किया। स्वामी विवेकानंद जी की जय। स्वामी विवेकानंद जी की जय। बोलिए माँ सरस्वती की जय। माँ भारती, माँ सरस्वती को याद करते हुए जिस तरीके से विद्यालय की शुरुआत होती है, आज उसी तरीके से माँ सरस्वती को कल्पना
जला निज प्राण की बाती गड़बले चले उतार चले उतार ज्योति जला निज प्राण की बाती गड़बले दान की।
यह वसुंधरा लिया अमृत सम निर्मल शीतल नीर पिया श्वासे भरी समीर में जिसका रक्त शरीर में श्वासे भरी समीर में जिसका रक्त शरीर में आरती चले उतारी ज्योति जला निज प्राण की बाती गढ़ बलिदान की ज्योति जला निज प्राण की बाती गढ़ बलिदान की इन धरती रो माने अभिमान हो इन परवारो इन धरती रो माने अभिमान हो इन परवारो प्राण हो धरती हिंद माता की जय बोल। आलोक के हिरण मंगरी के सभी अध्यापकों ने आपको आज एक नया दर्शन दिया जिसमें किस तरीके से स्थापना दिवस को हम अच्छे से मना सकें, जिसमें हमने अलग अलग तरह की प्रार्थनाएं और सभी भी अध्यापकों ने अपने मन से गाया। और आप देखें ये स्कूल पिछले 1.5 वर्षों से अभी तक यहाँ पर इस बीमारी की वजह से बच्चे नहीं आए, लेकिन उसी तरीके से आपका स्कूल आज भी तैयार है, हमारे अध्यापक आज भी तैयार हैं ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से सब तरीके से आज गाइडेंस दे रहे हैं हमारे बच्चे। बच्चों को अध्यापक हमेशा 24 घंटे यहाँ पर खड़े हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आए देखें। आलोक हर तरफ अपनी पहल करने वाला, हर तरह से चाहे वो हठ योग क्यों ना हो, चाहे वो योग को सिलेबस में जोड़कर उसकी परीक्षा लेने से क्यों ना हो, चाहे ध्यान ही ना हो, चाहे वो खेल कूद की गतिविधियां हो। हियर आई जस्ट वॉन्ट टू टेल एवरीवन दैट आलोक इज पायनियर इन दिस दे वी हैव इनिशिएटेड योगा, वी इंक्लूडेड योगा इन आर सिलेबस अ वे बैक 25 years, मोर देन 30 years बैक रादर। एंड नाउ द CBSE एंड द गवर्नमेंट has all included the yoga as an academic subject. So we are far, far, far ahead. Now, these are the staircases which leads you to the forum where so many talents has developed. Many engineers, doctors, chartered accountants, they have passed these stairs. We have got the labs, chemistry lab, physics lab this side. Now we are leading towards one of the grand biggest auditorium. This is our Department of Performing and Fine Arts, where the students, they develop. Skills, their talents.
आर नर्सरी विंग, किड्स प्लैनेट विंग, द ग्रैंड ऑडिटोरियम, cheerful morning to everyone. Today is a big day for all of us when we are celebrating the 55th foundation day of the Alok Institutions. Family, I wish you a very happy foundation day. On this day I welcome Honorable Director Alok Institutions, Director Technicals, Nishya Sir, Counselor Academics, Pratik Sir, all the in-charges and all my intellectual teaching fraternity with my office staff. A journey of 55 long years, and still this journey is continuing because we are still striving for the best. If not for the best, then for the excellence. Today, the journey which started on 29 June 1967 has now taken a form of a huge highway. And now we are the passengers, we are the supporters of this particular journey. And today, in my quote, when I wished the foundation day, that today you lead the school and tomorrow your students will lead the world. This was the basic idea of Shraddha Acharya sir. He was the person who believed that Alok is not only an organization which is imparting education by collecting the money and giving the salaries to the teachers. He thought it is a family where all the family members
They work together as a team. Though there are some hierarchy, there are some protocols, but still, we all are equal. Everyone, every individual here is an Alok. With this, our Honorable Director, sir, I welcome him. Here I just want to tell everyone, when we do something, even the society recognizes us. And that's why the Director, Alok Institutions, has also appointed as an independent director at REMCL, which is a subsidiary, a sister concern of the Railway Ministry, which is working on how to cut off the energy so that the railway can be managed in a proper manner. And he is appointed as an independent director out of the two in whole India. Besides, he is also the president appointed, elected rather, unanimously of the Bharat Vikas Parishad, Southern Zone, and through his own efforts, through his far-sightedness, he has initiated so many projects for the society, with the Rotary Club. Also, when he was the president of the Rotary Club, he took so many projects in which he distributed the libraries and set up the whole libraries, the portable toilets to the government schools, and not less than 50 to 60 schools. So it is a big effort which needs so many follow-ups, feedbacks, reporting, project making. All these things have to be done besides the core activity, that is the school. But he's 24/7 working. And now the Indian Institute of Corporate Affairs, which is working under the aegis of Ministry of Corporate Affairs, Government of India, in a self-assessment test. Now he is being the member, he is eligible for the director for the corporate affairs throughout the lifetime. So it is a big achievement for all of us. On this day, I would like to request the staff secretaries, Mr. Manmohan Bhatnagar sir, Sunita ma'am, to please felicitate our director, Alok Institutions, and I would like to request Director Technical Nishya sir to please come up on the stage and have a seat in front. It is an honor not only to our leader, but it is an honor to all of us who are working under his perfect management skills, perfect leadership. Jai Ram, Jai Jai Ram. I know there are so many parents, students, well-wishers, they are watching us on Facebook Live. I also welcome all of them. And I just want to say only one thing to all those well-wishers who are there watching us, that trust us. We, from past 55 years, we have got an experience of 55 years now. And our products, they are not only twinkling in different areas, departments, but everywhere, wherever you go, around the world. On a day before, I got a call from Gaurav Gupta. He was busy. He is now working as a board of director in one of the biggest company in United States of America. Atirag Chaplo, the training IAS officer,
He also told me to share the video to the members of the Alok, that what he feel about the Alok institution. That if you want to take the knowledge, you can get it from anywhere. Now online classes are there, you can get it from the internet, from the YouTube channels. But the leadership quality, but a passion to do something for the society, this feel you can get only from the institutions. So once again, I wish you a very happy Foundation Day, and without taking much of your time, I would like to request Honorable Director Alok Institutions to guide us, to bless us with his motivating and inspiring voice. Honorable Director Alok Institutions. श्रद्धेय आचार्य जी के श्री चरणों में नमन करते हुए माँ वीणा पाणी सरस्वती का आशीर्वाद लेकर आज बहुत अजीब लग रहा है, एक लंबे अंतराल के बाद इस सभागार में आकर खड़े हुए हैं। अजीब इसलिए लग रहा है कि यहाँ जो बच्चों की किलकारियां गूंजती थी वो स्थगित है, समय रुका हुआ है, कालचक्र ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि उसे भी इस तरह का कालखंड देखना पड़ेगा। हम इंसान तो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, और हम स्कूल के टीचर्स, एक साल स्कूल बिना बच्चों के चलेगा ये हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आज मैं सभी स्कूलों में स्वयं व्यक्तिशः जाने वाला हूं। यहां से मैं पंचवटी जाऊंगा तो मैं पंचवटी की बात करूंगा, मैं फतेहपुरा जाऊंगा वहां की बात करूंगा, जब मैं राजसमंद से लिंक होऊंगा तो मैं राजसमंद की बात करूंगा, मैं जब चित्तौड़ से लिंक होऊंगा चित्तौड़ की बात करूंगा। मैं आप सब लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, जो लोग लाइव सुन रहे हैं, कितने बच्चे, कितने पेरेंट्स, कितने ही एल्यूमिनीज और कितने ही हमारे टीचर्स, संभवतः मेहता दीदी भी ऑनलाइन होगी फेसबुक पर, नारायण जी सर भी संभवतः सुन रहे होंगे बात को। भावों की बात है, ये जगह जहां बैठे ये कभी पहाड़ हुआ करता था, आज भी पहाड़ ही है। इसको थोड़ा थोड़ा छिलकर सीढ़ियों में परिवर्तित कर दिया गया। ये नीचे आप देख रहे हैं दो कड़े लगे हुए हैं, ये खुला हुआ था, ये कड़े इसलिए लगाए हुए नीचे कि यहां पर टेंट लगता था। यहाँ की एक एक मिट्टी में है तो पत्थर, रेत, ईंट की दीवारें, लोहा, आपको क्या लगता है ये कुछ भाव पैदा कर सकते हैं? वो पसीना जो उन छात्रों ने, मैं विद्यार्थी था यहां, उस पथरीली जमीन पर जब यहां लाए गए तो हमने, मुझे याद है कि हमको तगारियों में वो पत्थर डालकर और यहां से उधर डालने पड़े। उत्साह था, जुनून था, पागलपन था। आज उठवा लीजिए बच्चों से पत्थर, कल आपको अखबार में जवाब देना होगा, पुलिस में जवाब देना होगा कि आपने इनसे क्या लेबर समझ के काम कराया। श्रम की महत्ता थी। इस आलोक के एक एक कण कण में, इसकी एक एक
मिट्टी में, इसके एक एक दीवारों में, इसके एक एक दरवाजों में, इसके एक एक क्लासरूम में वो कहानियां छिपी पड़ी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कितने लोगों ने कितनी तपस्या के साथ, कितनी कठिन चुनौतियों का सामना करते हुए, मुझे याद आता है ये तरुणा दीदी बैठी, दशाब्दी समारोह था, ऊपर बिल्कुल अड़खंजर जैसी जगह जहां पर पत्थर थे, मिट्टी भी ढंग से नहीं थी, रेत भी नहीं थी। ऐसे में हमने एक यहाँ से पास में गोवर्धन विलास से तख्ते लाकर बिठाए थे, बिछाए, और उसके बाद एक नीला पर्दा हुआ करता था, आज भी पड़ा है वो शायद। उस नीले पर्दे पर रिबिन से दशाब्दी समारोह हमने लिखा और बीच में आलोक के मोनोग्राम की एक तस्वीर टांगी थी। बैनर तो फ्लैक्स तो वही नहीं करते थे और मोनोग्राम को पेंटिंग में बनाना संभव ही नहीं था, पैसा खर्च करना नहीं था। उस तस्वीर को टांग कर उस समारोह को करने की तैयारी थी। रात को तूफान आया, हवा तो अभी भी चलती है, यहाँ पवन वेग या वायु का आशीर्वाद प्राप्त है, मेरे ऑफिस की खिड़की खोलो तो सब किताबें भी उड़ जाती है, इतनी हवा आज भी चलती है। ये इस आलोक संस्थान का सौभाग्य है और मैं ये से बहुत अच्छा मानता हूँ कि यहाँ निरंतर प्रवाह रहता है, इसलिए कभी गंदगी रुकती नहीं, वो गंदगी हवा में बह के चली जाती है। वो बुरे विचार जो यहाँ लेकर कोई व्यक्ति आता है उस हवा के साथ बह जाता है, वो व्यक्ति जो नेगेटिविटी सोचता है वो इस प्रवाह के साथ बह कर पता नहीं किसी और दूर किनारे पर जाकर जा फेंकता है। ये इस मिट्टी की, इस जगह की खासियत है। जो आता है वो आलोक का होके रह जाता है। जो लोग गए यहाँ से, सरकारी नौकरी में गए, कहीं भी गए, वो दुखी होके गए, रोकर गए कि हम आलोक से बिछड़ रहे हैं। ये प्रेम, ये स्नेह, आत्मीयता क्या कहाँ से है? ये यहाँ के दर्शन में है, यहाँ की व्यवहार में है, यहाँ की आत्मीयता में, यहाँ के इस जमीन से जुड़े हुए जो लोग हैं वो ये जानते हैं कि इस ऑडिटोरियम की क्या वैल्यू है। इसकी वैल्यू यूँ देखा जाए तो कुछ नहीं, न तो एयर कंडीशन है, न कोई ढंग की छत है, न इसमें कोई बहुत ढंग की एयर कूलिंग सिस्टम है, लेकिन ये खुला है। एक व्यक्ति ने बोला, मैंने कहा इसको हम बहुत बड़ा कुछ हॉल करना चाहते हैं, इसको छत वत करके, कभी कभी मत करना। मुझे बोला कभी मत करना, ये इतना सुंदर है, ऐसा नेचुरल तो मैंने कहीं देखा ही नहीं हॉल, ऐसी कुर्सियों वाले हॉल और एयर कंडीशन हॉल बहुत देखे, ये तो इतना खुला है, इतना मुक्त है, हमको तो यहाँ आकर अच्छा लगता है। मुझे बहुत उस दिन बड़ा अजीब लगा कि चलो लोग ऐसा भी सोचते हैं। वो गांव की मिट्टी पर जाकर जब हम व्यक्ति खड़ा होता है ना, तो वो मिट्टी को स्पर्श, वो अनुभूति, एहसास होता है कि इस मिट्टी में कुछ है। उस खेत की मिट्टी में जब जाता है तो उसमें लगता है इसमें वो दम है जो हमको जिंदा रखे हुए, वो फसल उस मिट्टी से जब उगती है, वैसा ही अनुभव इस आलोक की मिट्टी में आकर होता है। इसमें ज्ञान की वो फसल है जो पैदा होती है और इन बच्चों के जीवन को उत्कर्ष तक पहुंचाती है। आज हमारा अतिराग चपलोत ने कल वीडियो शेयर किया, शशांक जी को भेजा मैंने, उसको विद आलोकाइट में शेयर किया, उसने क्या बोला, वो हॉस्टल में पढ़ा, पढ़ाई इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, वो महत्वपूर्ण है कि वो व्यक्ति कितना अच्छा आईएएस बन कर गया, वो अच्छा इंसान पहले बन सका। वो मैं कहता हूं कि ये मेरा आशीर्वाद है उसके लिए, वो आईएएस तो हो गया लेकिन वो श्रेष्ठ व्यक्ति बनकर श्रेष्ठ आचरण के माध्यम से समाज को दिशा देने का काम करेगा। यदि वो ऑनलाइन मेरी बात इस फेसबुक से सुन रहा है तो वो नोट कर ले, वो इन आईएएस की भीड़ में भी सबसे आगे अलग खड़ा नजर आएगा। ये आलोक के संस्कार हैं जो व्यक्ति को अलग खड़ा करते हैं, ये आलोक के टीचर हैं। मैं दिल्ली में था, मुझे रोशन जी ने एक बात कही, मैं उनको भी याद करता हूँ। मैं आज मैं स्वर्गीय कांजी प्रेम जी जोशी को याद करता हूँ, काका जी ने क्या नहीं किया। मैं याद करता हूँ रेखचंद जी राका को, जब फतेहपुरा स्कूल की छत पड़ रही थी, 1,00,000 रुपए चाहिए थे, उस समय 1,00,000 रुपए बड़ी बात थी। आचार्य जी और वो दोनों गए सूरत और पता नहीं कहाँ कहाँ जाके, और केवल 2 दिन में 1,00,000 रुपए इकट्ठा करके लाया और वो फतेहपुरा की छत पड़ी। ऐसा नहीं कि लोगों ने नहीं दिया, लोगों ने दिया, हमारे पास तो कुछ था नहीं। श्रद्धे आचार्य जी कहते थे समाज से लिया, समाज को ही दिया, अपनी जेबें नहीं भरी, अपने लिए कुछ नहीं बनाया, अपने लिए तो एक मकान भी नहीं बनाया उन्होंने, समाज के लिए किया। तो वो कह रहे थे मुझे रोशन जी की, पूरे राजस्थान में 2 स्कूल में मानता हूं जिन्होंने बहुत सारे टीचर्स अच्छे और प्रिंसिपल्स दिए, एक तो अजमेर का मैं कॉलेज और एक उदयपुर का आलोक संस्थान जिसने समाज को श्रेष्ठ शिक्षक और श्रेष्ठ प्रिंसिपल्स दिए। कितने ही प्रिंसिपल ने आज हमारे आलोक स्कूल से निकलकर अपनी संस्थाएं खोली और आज वो उन संस्था के संस्थापक के साथ साथ वो बहुत बड़ा मैनेजमेंट भी संभाल रहे हैं। हमारे अच्छे डॉक्टर्स हैं,
जो आत्मीयतापूर्ण संबंधों के कारण, उन रिश्तों के कारण जब अनीता सोलंकी कैंसर से ग्रस्त होती है तो वो बच्चे खुद तय करते हैं और लाखों रुपए इकट्ठा करके इलाज के लिए उनको भेजते हैं। किसी ने इंस्टिगेट नहीं किया, किसी ने हमको नहीं कहा, लेकिन हमने किया। हमने उस आधारशिला को रखा, हमने उसके मन में वो भाव पैदा करने की कोशिश की कि व्यक्ति तुम अपने स्वार्थ, अपने निजी स्वार्थों के लिए, जो उच्च कोटि के मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग की जो एक मानसिक संकुचितता है कि मेरे पास पैसा आ गया उसके बाद वो समाज की चिंता करना छोड़ देता है। समाज की क्या आवश्यकता है, मैं हूं, मेरा पैसा है, मेरे पास कहाड़ी है, मेरे पास बंगला है। ये संकुचित भाव जब एक मध्यम वर्ग के अंदर पैदा हो जाता है तो वो समाज से कट जाता है, वो स्वार्थी हो जाता है। इस स्वार्थ को काटने के लिए जिस बीज, जिस शिक्षा की आवश्यकता होती है वो आलोक संस्थान की शिक्षा है। इसलिए वो व्यक्ति पैसे वाला भी हो जाता है, बड़ा आदमी भी बन जाता है, तो वो कालू भाई बनकर भी आकर समाज में सेवा करने के लिए तत्पर रहता है। इनको स्वेटर मेरी ओर से दे दीजिए, इनको ये कपड़े मेरी ओर से दे दीजिए। वो बच्चों को ही शिक्षा नहीं दे रहे, हम उस व्यक्ति को भी शिक्षा दे रहे हैं जो आलोक से अभिभावक बनकर जुड़ रहा है, या वो व्यक्ति भी जो आलोक के कार्यक्रम में इस मंच पर, ये मंच महान मंच है, ये वो मंच है जिस पर खड़े होने के लिए राष्ट्रपति से लेकर न जाने कितने संत महात्मा, जैन संत से लेकर, सनातन धर्म के संत से लेकर, कितनी महान हस्तियां, जगजीत सिंह जैसे महान गायक से लेकर, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां इस मंच से गुजर कर चली गई। इस मंच में वो वाइब्रेशन है, इस मंच में वो शक्ति है जो इसके अंदर से ऊर्जा देती है। जब हम यहाँ खड़े होते पता नहीं शब्द कहाँ से फूटते हैं, मुझे पता ही नहीं, मैं कभी सोच कर नहीं आता मैं क्या लिखूंगा, क्या बोलूंगा, क्या पढ़ूंगा, मुझे नहीं पता। यहाँ जब खड़े होते हैं तो वो भाव अपने आप पैदा हो जाते हैं, ये वो भूमि है। इसलिए आलोक में आकर कोई बुरे से बुरा व्यक्ति भी अच्छा हो जाता है, उसकी बुराई भी स्वतः नष्ट हो जाती है, हम पॉजिटिव हो जाते हैं, हमारी एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है। ये उर्वरा शक्ति इसकी बनी रहे, इसके लिए हम सबके अपने वाइब्रेंस, हमारी अपनी वाइब्रेंसी, हमारी अपनी उद्यमिता, हमारी अपने तरंगे सकारात्मक होनी चाहिए। यदि आप सकारात्मक कदम लेकर माँ सरस्वती के जब चरण छूकर इस मंदिर में प्रवेश करते हैं, अपने आप यहाँ वातावरण निर्मित होता है। आज आप बैठे हैं, ये अग्निवेश पहनकर, ये पीले वस्त्र पहनकर जब बैठे तो अपने आप ही इस हॉल की एम्बियंस बदल गई। ये काटने को डोड़ता, यहाँ आने की, देखने की इच्छा नहीं होती थी कि यार मिट्टी खा रहा है हॉल, क्या करेंगे जाके। भाव है, ये भाव जब तक जिंदा है मनुष्य के अंदर वो मनुष्य है। जिस दिन मनुष्य के भाव समाप्त हो जाते वो चाइना हो जाता है, वो चाइना हो जाता है जिसके पास भाव नहीं है। थेनयांग चौक पर हजारों युवाओं को जो मार डालता है वो इंसान नहीं है, उसका सही नाम है वो ड्रैगन है। आज उसने मानवता को जिस कटघरे में, जिस दुर्दशा में पहुंचा दिया, जिस तरह का विकराल विभत्स स्वरूप आज संसार का देखने को मिल रहा है, ये उसकी शिक्षा की कमजोरी है, वो मानवीयता की कमजोरी है। वो एक गलत विचारधारा की तरफ से बढ़ने वाले वो लोग हैं जिन्होंने इस संसार को इस विभत्स स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। अगर भारतवर्ष उसको विश्व गुरु बनता है तो फिर इस संसार को अग्रिम दिशा में ले जाकर दिखाएगा, और भारत विश्व गुरु बन रहा है। द विजन 2020 प्रोफेसर अब्दुल कलाम आजम ने अपनी बात कही थी, वो राष्ट्रपति तो बाद में थे, वो शिक्षक पहले थे, उन्होंने कहा ये विजन 2020 भारत वास्तव में विश्व गुरु बनेगा। इसलिए आज मैं इस मंच के माध्यम से जो लोग जुड़े हैं, ये भाषण इतना महत्वपूर्ण नहीं जितने भाव महत्वपूर्ण है, ये कार्यक्रम उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ये महत्वपूर्ण आज का जो वातावरण, जो हम यहाँ बैठकर उस बात का मंथन कर रहे हैं, चरवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, इस भूमि का असर है। ये बात वहाँ बोलते तो असर भी नहीं होता, ये बहुत यहाँ से जब बात निकल रही है वो अपने आप निकल रही है। ये वाइब्रेंसी है, इसको कई बार लोगों ने बोला मुझे, कई लोगों ने, हाँ हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के भी लोगों ने बोला इसको हटा दो। मैंने कहा ये नहीं हटेगी। क्यों नहीं हटेगी? क्योंकि ये वो यज्ञ वेदी है जिसमें श्रीमद् भागवत होने के बाद यहाँ पर हवन हुआ था, और हवन हुआ और जो ही हवन हुआ इतनी भयंकर बारिश हुई, उस भागवत की सफलता का परिचायक यह होता है कि जिस दिन भागवत शुरू हो उस दिन बारिश बंद हो जाती है, और जिस दिन भागवत समाप्त होती है उस दिन जमकर हवन होते ही बारिश होनी चाहिए तो भागवत सफल है। उस दिन ये भागवत हुई थी और
2000 लोगों का खाना रखा था, बारिश इतनी हुई कि केवल 500 लोग यहाँ पहुंच सके, लेकिन वो कार्यक्रम सफलता, इतना इतनी बारिश हुई, वो यज्ञ वेदी सफलता की सूचक है। ये यज्ञ वेदी हमारी सनातन संस्कृति की तो सूचक है, लेकिन ये यज्ञ वेदी आलोक के उस यात्रा के उच्चतम शिखर पर जाने वाली उसकी भी एक सूचक है। इसलिए मित्रों, आज के इस विराट उत्सव पर, फंक्शन छोटा है लेकिन स्थापना दिवस के अवसर पर, इस भूमि पर जब पांव रखते हो ना, तो हृदयंगम करते हुए पूरे भाव से छूकर उस सरस्वती के जब आते हो, तो उस सीढ़ी को छूकर माथे पर लगाइए, ताकि वो भूमि का जो अंश है वो आपके माथे पर आएगा तो आपको ऊर्जा देगा। आज स्थापना दिवस पर श्रद्धेय आचार्य जी को हम नमन करते हुए कि आलोक के इस मिशन को हम जिंदा रखेंगे, आलोक के मूल्यों को आधुनिकता के साथ हम बदलाव लाते हुए भी जिंदा रखेंगे, आलोक के दर्शन को हम जिंदा रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों ने मुझे बहुत ध्यान से सुना, हमारा समय भी पूरा हुआ, हम आगे भी जाएंगे, आगे के स्कूलों की अपनी बात करेंगे, बहुत सारी बातें हैं, कभी बैठ के गप लगाएंगे तो हम उनमें ये बातें भी करेंगे। आज तो केवल, जैसा मैंने कहा, केवल भाव की बात थी, वो भाव आप तक जाए, मेरे वाइब्रेशंस आप तक पहुँचे, मैं समझता हूँ वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। आइए आगे बढ़े और आज एक संकल्प लेकर श्रद्धेय आचार्य जी के सपनों को पूरा करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी सुनने वालों को, देखने वालों को, ऑनलाइन हमें सुनने समझने वालों को, सभी को हृदय से बहुत बहुत नमस्कार। भारत माता की जय। जय हिंद, जय आलोक। आलोक 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 संस्थान हमारा, आलोक 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 संस्थान हमारा, ज्ञान कर्म की ज्योति जगाता, अंगमय शिक्षा बरसाता, यहाँ जगत कल्याण सुधारी, वहाँ प्रेम रस धारा। आलो 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 संस्थान हमारा, आलो 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 संस्थान हमारा, गुण गौरव और संस्कृति का देश विदेश में फहराता, सत्यम शिवम सुंदरम का संगम, आलोक राज दुलारा। आलो 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 संस्थान हमारा, आलो 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 संस्थान हमारा, भारतीय संस्कृति कला निकेतन, विकसाता साहित्य सनातन, नव विज्ञान कला कौशल पावन मंदिर है हमारा। आलो 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 संस्थान हमारा, आलो 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 संस्थान हमारा। श्री राम, जय राम, जय जय राम। थैंक यू ऑनरेबल डायरेक्टर आलोक इंस्टीट्यूशन फॉर स्पेयरिंग हिज वैल्यूएबल टाइम एंड ग्रेसिंग दिस ओकेजन थ्रू हिज बेनाइन प्रेजेंस। आई ऑल्सो थैंक ऑल द टीचर्स of the institution for this overwhelming gestures of theirs. I also extend my heartfelt thanks to all the viewers who are watching us live on the Facebook, in 10 minutes, or parents, all students, alumni, well-wishers who are watching us. Once again, a very warm thanks to everyone. Now today whole day you will be on live, Alok Sansthan will be live, and after this Alok Panchvati they will be there with us for Isht Dev Aradhana, and then Fatehpura
Rajsamand, Alok, and then Alok Chittorgarh. They will be there live with us for the whole day. So do join us, do share this video, do share this to each and everyone. And once again, I wish you a very happy Foundation Day from Alok Senior Secondary School, Hiranandani Sector, Gaya. Signing off. Thank you.